हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसीजन लर्निंग। तो सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्कल यूनिवर्सिटी का 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड का कोर्स जो है उसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है 2 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हो 22 अगस्त तक एंड 28 अगस्त को उसका एग्जाम डेट है। तो उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे क्या सिलेबस है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो हम उसके ऊपर जो ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे वो कब से स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखो, ऑनलाइन कोचिंग जो हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हो ताकि कल शाम से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकें। इसके बारे में जो फी स्ट्रक्चर वगैरह है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज की ये जो आपका इंटीग्रेटेड बीए बीएड का एग्जाम है इसका सिलेबस मैं सबका सिलेबस बता दूंगा, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो कोर्स होगा पहला वाला जो अभी कोर्स है जो कल से लॉन्च होगा वो होगा इंटीग्रेटेड बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स के लिए, और जो आपका 2 ईयर बीएड साइंस आर्ट्स एंड 2 ईयर एमएड जो है उसका हम लोग कुछ दिन बाद लॉन्च करेंगे, पहले क्योंकि बीए बीएड का एग्जाम 28 अगस्त को है तो उसके लिए हम लोग जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो ये जो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड का कोर्स होगा इसका जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 70। देखो आरआई का जिस तरह का पैटर्न होता है उस तरह से रहेगा, लेकिन इसका सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग है। आरआई में क्या होता है आपका 60-40 रहता है, 60% आपका एंट्रांस से लिया जाता है एंड 40% आपका करियर मार्क होता है। लेकिन ये जो आपका उत्कल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, उत्कल यूनिवर्सिटी जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड या फिर जितने भी उत्कल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है ये सेल्फ फाइनेंसिंग वाला, इसमें आपका 70 मार्क्स होंगे एंट्रांस का एंड 30 मार्क्स और 30% विल बी टेकन फ्रॉम योर करियर मार्क। तो आरआई जैसा ही वहाँ पे 60-40 या 70-30 है, तो यहाँ पे 70 क्वेश्चंस आएंगे 70 मार्क्स के लिए और आपका करियर से 30% जो है लिया जाएगा। तो अभी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो 4 इंटीग्रेटेड बीए बीएड 2 ईयर बीएड साइंस 2 ईयर बीएड आर्ट्स या एमएड, तो जो आपके प्रिंसिपल जिस कॉलेज आप उत्कल यूनिवर्सिटी का जो यूडीटी डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके पढ़ोगे, ठीक है, उत्कल यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन जो है ठीक वहाँ पे पढ़ोगे आप लोग, तो उसके जो प्रिंसिपल है वो मेरे गाइड हैं, तो उनके साथ मैं बात कर रहा था, डिस्कशन हम कर रहे थे, सर ने बताया कि 70-30 रहता है। तो जो भी है डिटेल गाइडलाइन तो कल आएगा, लेकिन सिलेबस वगैरह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 70 क्वेश्चंस रहेंगे और उन 70 क्वेश्चंस में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड का जो सिलेबस होगा उसमें इंग्लिश रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश जैसे आरआई में रहता है उस तरह का पूरा रहेगा, रीजनिंग रहेगा जिस तरह का आरआईसी का सिलेबस उस तरह का रीजनिंग रहेगा, और आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये जो 4 सब्जेक्ट आप 12th क्लास में पढ़ते हो वो आएगा। ठीक है, तो 12th क्लास का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इंग्लिश एंड रीजनिंग आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सर ने नहीं बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड आई थिंक नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इंग्लिश रीजनिंग ये जो है आपका जो है सिलेबस है आपका, ये इन सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन आएंगे मिक्स्ड। ठीक है, कल पूरा एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना है, लेकिन हम लोग बैच स्टार्ट कर सकते हैं ना, भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अभी। तो 70 क्वेश्चन होंगे जो मैंने बताया इन सब्जेक्ट से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड के लिए। तो हम लोग इसका जो कोर्स है कल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो प्राइस स्ट्रक्चर होगा, देखो 28 अगस्त को एग्जाम है तो 27 अगस्त तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होगा, तो मान लीजिए अराउंड 25 डेज आपके क्लासेस होंगे। तो उन क्लासेस का जो फी है, उसके बाद पीडीएफ स्टडी मटेरियल होगा आपका, क्योंकि इतने कम दिन में हम हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल सेंड नहीं कर पाएंगे, जो भी मटेरियल बनेगा दैट विल बी इन द पीडीएफ फॉर्मेट, क्लास नोट्स एक्चुअली मिलेगा, जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे उन्हीं को ही आपका मटेरियल मिलेगा, क्योंकि प्राइस हमने बहुत कम रखा है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो नोट्स होगा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो ये जो कंप्लीट कोर्स का पैकेज है इसका प्राइस 750 रुपीज हमने रखा है, 750 रुपीज विल बी देयर फॉर दिस कोर्स। कंप्लीट कोर्स का प्राइस है 750, इसमें ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट का प्राइस 750 है, 25 डेज मान के चलो इतने का आपका क्लासेस होंगे, डेली क्लासेस होंगे। ठीक है, संडे को भी क्लास होगा, डेली क्लासेस होंगे और एक टाइम पे आपका टेस्ट भी होगा। टोटल हमने सोचा है 15 टेस्ट एटलीस्ट प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा हो सकता है तो ठीक है, लेकिन 15 टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। उसमें कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे अराउंड 5
फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसको बढ़ा के हम लोग 7 भी कर सकते हैं, 7 फुल लेंथ टेस्ट में भी दिया, बट आई प्रॉमिस कि 5 फुल लेंथ टेस्ट यू विल डेफिनेटली गेट। टाइम कम है तो हमको भी मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं एश्योर कर सकता हूँ यू विल गेट 5 फुल लेंथ टेस्ट एंड 10-15 सेक्शनल टेस्ट, तो 20 अराउंड टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप 5 तारीख के बाद ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, उसके बाद 6 अगस्त से हम टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट, इसका जो कंप्लीट प्राइस है 750 rupees है, लेकिन those who have joined our previous RIC courses and also taken study material, अगर आपने previous हमारा जो previous batch RIC का अगर आपने study material लिया है या video course लिया है या पूरा complete course लिया है, तो आपको 250 rupees का discount मिल जाएगा, means you need to pay 500 rupees only। तो 500 में आपको जो प्रीवियस जो जिन्होंने कोर्सेज लिया था, स्टडी मटेरियल लिया था, उनको 500 में कंप्लीट कोर्स मिलेगा उत्कल यूनिवर्सिटी का 4-year इंटीग्रेटेड BA/BEd के लिए, ठीक है। एंड देखो, क्योंकि मैं आरआई जो है ना, आरआई भुवनेश्वर उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, तो उसके बारे में सब कुछ पता है, मेरे गाइड वहाँ के हैं, मेरे बहुत सारे टीचर्स मैं रिलेटेड हूँ उनके साथ, तो पता है। और इवन एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पूछते हो सर आउटर स्टेट अप्लाई कर सकते क्या, उड़िया कंपलसरी है क्या, तो टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि उड़िया कंपलसरी नहीं है। देखो, उड़िया इसमें कंपलसरी नहीं है, आउटर स्टेट के भी जो है एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्रूफ है, हमारा एक स्टूडेंट प्रीवियस ईयर हम जो RIC का क्लासेस करते थे उसमें से एक जो आउटर स्टेट का बंगाल का एक स्टूडेंट है जो उसमें पढ़ रही है, ठीक है, श्रीजा मंडल उसका नाम है, तो वो उसमें पढ़ रही है अभी, ठीक है। तो उत्कल यूनिवर्सिटी जो आपका 4-year इंटीग्रेटेड BA/BEd कोर्स में, तो प्राउड लगता है ये चीज़ कि हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि हमारे गाइड भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आज आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप इन द गिवन नंबर, जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इस नंबर पे आपको जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप, आपको व्हाट्सएप करना है, उसके बाद जो नंबर पेमेंट के लिए जो नंबर मिलेगा उसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, सेम नंबर पे पेमेंट कर सकते हो फोनपे गूगल पे में। तो पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के बैच के लिए ऐड कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको क्लासेस के लिंक्स और टेस्ट सीरीज और मटेरियल सब कुछ मिलता है। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4-year इंटीग्रेटेड BA/BEd का। तो पैटर्न आई थिंक मैंने बता दिया कि 70 क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स्ड रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स रीजनिंग एंड इंग्लिश का, ठीक है। आउटर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज है कि 5% रिजर्वेशन है वहाँ पे, आउटर स्टेट के बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 सीट है, ओनली 2 सीट्स विल बी देयर फॉर आउटर स्टेट। बाकी कितने नंबर ऑफ सीटें भी बता देता हूँ आपको। देखो, इंटीग्रेटेड BA/BEd के लिए, 4-year इंटीग्रेटेड BA/BEd के लिए टोटल 50 सीट्स है, 50 सीट्स में 48 सीट जो है उड़ीसा का होगा एंड सिर्फ 2 सीट जो है आउटर स्टेट्स का होगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा जो हम जो जितने बच्चों को पढ़ाएंगे 50 ही मैक्सिमम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, और उसमें 2 या 3 मैक्सिमम हम आउटर स्टेट के बच्चों को लेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट फॉर दैट। तो ये 50 सीट्स होगा इंटीग्रेटेड BA/BEd के लिए, उसमें 2 या 3 सीट्स 5% बोले सर, तो 2 या 3 सीट्स आपका जो है आउटर स्टेट को जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे 2-year BA/BEd का, तो 2-year BA/BEd आर्ट्स के लिए 25 एंड 2-year BA/BEd साइंस के लिए 25, मतलब 2-year BA/BEd के लिए भी कॉम्बाइन आपका 50 सीट्स है, साइंस के लिए 25, आर्ट्स के लिए 25। अगर हम लोग 2-year MEd का बात करेंगे, तो 2-year MEd में भी आपका जो है साइंस में 25 एंड आर्ट्स में 25, 2-year MEd का लगभग MEd सबका सेम रहता है, तो 50 सीट्स है MEd में। तो इंटीग्रेटेड BA/BEd में 50 सीट्स, 2-year BA/BEd में 50 सीट्स एंड 2-year MEd में 50 सीट्स है, उसका 5% मतलब अराउंड 2 सीट्स आपका आउटर स्टेट वाले हो सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड जो BA/BEd का कोर्स है उसमें आउटर स्टेट के बच्चे भी सब सारे कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो कोर्स कल से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आउटर स्टेट के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स का प्राइस 70 है, जो कोई भी कोर्स अभी तक नहीं लिया है, और जो हमारे स्टडी मटेरियल या वीडियो कोर्स या सुपर 50 या क्रैश कोर्स कोई भी कोर्स आपने लिया था, तो आपको 250 rupees का डिस्काउंट हो जाएगा, जस्ट नीड टू पे 500 rupees ओनली। तो दिस इज द प्रोग्राम, कल से क्लासेस होंगे, डेली बेसिस पे गूगल मीट पे क्लासेस होंगे, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, और आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा फॉर प्रैक्टिस। तो कंप्लीट गाइडेंस आपको किया जाएगा ऑप्टो एग्जाम। तो दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस भी मिल रहा है। और दूसरा चीज़ ये कि जो अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो उसका 50% अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आप नेक्स्ट
जो अगर आप नेक्स्ट कोई कोर्स परचेज करते हो ना उसका 50% आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप 500 रुपये पे करते हो या 750 पे करते हो तो उसका जो 50% है आप नेक्स्ट जो कोर्स अपकमिंग कोर्सेस है ध्रुवा जो हमने लॉन्च किया है उसको ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा पैसा देना नहीं पड़ेगा, उतना अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो एक स्पेशल फीचर है, बहुत और भी स्पेशल फीचर आने वाले हैं। ध्रुवा जो है हमारा एक कंसेप्ट है जिसने हमने जो बताएंगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा ध्रुवा के ऊपर, ध्रुवा कोर्स के रिलेटेड। तो उत्कल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड वी आर स्टार्टिंग टुमारो। ठीक, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।